is only one without a second. It's mentioned in the Shvetashvata Upanishad, chapter number 6, verse number 9. Na chasya kasich janita na chadipa. Of him there are no lords. He has got no master. Almighty God has got no parents. He has got no mother. He has got no father. He has got no superior. It's mentioned in the Shvetashvata Upanishad, chapter number 4, verse number 19. Na tasya pratima asti, which means of him there is no likeness. Almighty God has got no likeness. It's mentioned in the Shvetashvata Upanishad, chapter number 4, verse number 20. Almighty God is imageless. No one can see him with his eyes. No one can see his form with these eyes. And amongst the Hindu scripture, the most popular is the Bhagavad Gita. It's mentioned in Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20. Material desires, they worship demigods. Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20 says that all materialistic people, they worship demigods, including idols. Acharya Amit. पहले जो इन्होंने बात कही कि एकमेवा अद्वितीयम, तो इसमें तो हिंदू धर्म ने कब कहा है कि 50 भगवान है? हमने ये कहा है कि ईश्वर एक है, लेकिन वही ईश्वर को कौन ऑब्जेक्शन करने वाला है, या उस ईश्वर से वो कौन सा अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है जो उसे चुनौती देने आएगा कि तू दो रूप या 50 रूप या अनंत रूप धारण नहीं कर सकता। मैं जाकिर नाइक से जानना चाहता हूं कि वो जरा बताएं कि वो शक्ति किसके पास है जो उन्हें ऑब्जेक्शन करेगा। और दूसरा थोड़ा सा इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, उसने बोला न तस्य प्रतिमा अस्ति, खुद ही कह रहा है देर कि उसके जैसी कोई लाइकनेस नहीं है, यानी उसके जैसा दूसरा कोई है नहीं, खुद ही ये कह रहा है। और अगर आप उठाएंगे यजुर्वेद के 32वें अध्याय में भी ये मंत्र आया है, और वहां पर भी हमने इस मंत्र को देखा, इसी शब्द के आगे जो शब्द लिखा है यस्य नाम महद यशः, कि जिसके नाम का महान यश है। अब नाम रूप गुण लीला इन सबका तो समुच्चय होता है, जिसको आप सेट बोलते हैं, और सेट तो एक जैसी चीजों का होता है। क्या आपने कभी सुना है कि भाई एक व्यक्ति का नाम तो है पर उसकी शक्ल नहीं है? क्या आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति के पैर तो है पर उस व्यक्ति का ऊपर का धड़ नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं हम देखते हैं। व्यावहारिक जगत में हम ये पाते हैं कि अगर नाम है तो रूप भी होगा, लेकिन ये हम मानते हैं कि पारमार्थिक रूप से अंततः ईश्वर निर्गुण निराकार ही होते हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन जैसा कि बार बार कहा जाता है कि अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए, अगर वो पारमार्थिक रूप से निर्गुण निराकार परमेश्वर आ भी जाए, तो जाकिर साहब को क्यों आग लगती है, हम ये पूछना चाहते हैं। अगर आप सोचिए, आप एक बच्चे के पिता हैं, आप एक चैनल के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अगर आपका बच्चा बोले कि पापा घोड़ा बनिए, तो आपका क्या सम्मान घट जाएगा आप उसके लिए घोड़ा बन गए? या मैं ये कहूंगा कि अरे इतने बड़े एंकर घोड़ा कैसे बन सकते हैं? तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों के भाव को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए, यदि वे ईश्वर थोड़ा सा झुक जाते हैं, थोड़ा अपना ईश्वरत्व या अपना बड़कपन में थोड़ा सोचिए, अगर वो ऐसा करें तो इसमें परेशानी क्या पैदा हो जाती है, ये आज तक हमारी समझ में नहीं आया। अरे जी, मैं तो हैरान हूँ जाकिर नाइक के इन वक्तव्यों को सुनकर कि भाई आप एक ईश्वरवाद की चर्चा वेद से कर रहे हैं, तो वेद तो आदि सृष्टि से एक ईश्वरवाद की चर्चा की है, पर आप तो नुमाइंदा है कुरान के, कुरान में एक ईश्वरवाद कहाँ है वो बताइए ना। तो कुरान में तो एक ईश्वरवाद है ही नहीं है, वहां कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह वयग़फिरु लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर कोई अल्लाह को पाना चाहता है उसको मोहम्मद को पाना पड़ेगा। वातिउल्लाह वातिउर्रसूल कहा कुरान ने कि इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की इताअत किए बिना, पैरवी किए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। केवल इतनी यही बात खत्म नहीं होती है, जो 5 बार मस्जिद में आप अजान लगाते हैं, अजान लगाने के बाद भी आप उसी मोहब्बत पर दरूद और सलाम भेजते हैं कि नहीं, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته انك لا تخلف الميعاد। अरे कुरान तो व्यक्ति पूजा है, व्यक्ति पूजा की शिक्षा तो कुरान ने दिया है भैया, आप एक ईश्वर वेद से क्यों उठा करके दे रहे हैं, वो तो हमारा है पहले से ही।
वेद तो आदि सृष्टि के आदि से ही ऋषि मुनियों ने एक ईश्वरवाद की चर्चा की है, पर आप कुरान से अगर देते एक प्रमाण तो मैं खुश होता, लेकिन मैं 50 प्रमाण दे दूंगा कि कुरान में एक ईश्वरवाद की चर्चा है ही नहीं है। जब तक आप मोहम्मद को नहीं मानेंगे अल्लाह को पा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर किसी बिचौलिया की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि राम को पाने के बाद ही परमात्मा को पाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि किसी ऋषि मुनियों को पाने के बाद ही परमात्मा को पाएंगे, ऐसा है ही नहीं है। ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान यो युधस्मज्जुहुरान्नमेनो भूष्टान्त नमोक्तिम विदेम। वेद मुकद्दस में परमात्मा ने उपदेश दिया है कि उस परमात्मा को पाने के लिए राम कृष्ण जैसे महापुरुषों ने चल करके उस परमात्मा को पाया है, उस रास्ते में अगर कोई चलता चला जाए तो वो भी परमात्मा को प्राप्त करेगा, इसमें कहां संदेह के लिए गुंजाइश है। तो आप हमारी बातों को हमारी यानी ये तो कहावत ऐसी हो गई कि माँ का किस्सा मौसी के पास सुना रहे हैं आप। भाई आप कुरान का हवाला देते तब तो बात बनती, कुरान से आप एक ईश्वरवाद का प्रमाण देते तब तो बात होती, लेकिन आप वेद से ही वेद वालों को एक ईश्वरवाद को सुना रहे हैं, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात हो गई। लेकिन हाँ, जो नासमझ लोग आपके पास जाते हैं और इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, मैं उन्हें नासमझ कहता हूँ कि उन्होंने वेद को वैदिक सिद्धांत को वैदिक मर्यादा को हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं 1132 शाखाएं हैं जिन्होंने कभी भी उसको देखने का प्रयास नहीं किया, वही बहक रहे हैं। मैं तो स्वीकार करना चाहता हूँ, मुझे क्यों नहीं स्वीकार करवा रहे हैं? अब तक तो मैं तो सारा चुनौती आपको नेट के माध्यम से दे रखा हूँ, आइए जरा बात करें सामने बैठ कर। रमेश जी कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर उसने एक बहुत ही विचित्र उदाहरण दिया है, वो जिस भगवत गीता को कोट कर रहा है उसी भगवत गीता में जब भगवान को अर्जुन जी कहते हैं कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, तो वही भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं और उसमें सृष्टि में सब जगह पर वही है, उनका ही अंश सब जगह पर है, ये वो बताते हैं, इस बात को क्यों भूल रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर लेनी है हमें कि जब वो ये बात करते हैं, वो तो खुद को डॉक्टर भी कहते हैं, तो मुझे पता नहीं है कि मतलब वो किस विषय के डॉक्टर, किस विषय के डॉक्टर है जी, मुझे तो मतलब मुझे पता नहीं कहाँ से, मुझे पता नहीं वो जानवर के है, इंसान के है या PhD है, सच बता रहा हूँ। मतलब मुझे लगता है कि जाकिर साहब मूर्खता के डॉक्टर है, अगर आपको मूर्खता सीखनी हो आपको, चलिए विद्वानों ने ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि वो डॉक्टर बने होंगे तो शायद उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, उसके अंदर जो शून्य लिखते हैं तो क्या वो केवल देवनागरी में लिखते हैं या वो अंकों में लिखते हैं, इस बात का अगर उनको पता चलेगा तो देवनागरी में जो शून्य लिखते हैं वही अंक में जीरो होता है, इस बात को अगर वो समझेंगे तो शब्द स्पर्श रस रूप गंध और उसकी शक्ति साथ होती है, ये हिंदुइज्म का सिद्धांत भी जान जाएंगे, तभी उनको पता चलेगा। उसके लिए उनको पहले पढ़ना होगा, ना कि लोगों को मूर्ख बनाना होगा। बिल्कुल, हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो के साथ आगे चर्चा। श्री कृष्ण टू अर्जुन इन द बैटलफील्ड, दैट्स इट। सो व्हेन इट कम्स टू जिहाद, आई कोट मोर भगवत गीता देन द वेदास, सो वेदास टू स्पीक अबाउट जिहाद, यू अंडरस्टैंड, एंड देयर आई कोट मेनी वर्सेस, नॉट 2-3 वर्सेस, ओनली इन जिहाद भगवत गीता आई कोट मोर देन 20-30 वर्सेस इन माय टॉक, हाउ मेनी, नॉट 2-3, हाउ मेनी, 20-30। इसका मतलब है कि भगवत गीता भी जिहाद सिखाती है। आचार्य अमित जी देखिए, सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि ये जिहाद का क्या अर्थ मानते हैं। हमने तो आज तक जितने भी मुस्लिम स्कॉलर से बात की है वो ना तो ओसामा बिन लादेन के कामों को जिहाद मानते, जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, कल के कार्यक्रम में भी आप लोगों ने देखा कि कोई भी लोग जिहाद का वो अर्थ ही नहीं मानते जो इन्होंने बताया है। और जहां तक बात है भगवत गीता की, तो भगवत गीता में तो कोई जिहाद नहीं है, भगवत गीता में तो अन्याय के विरुद्ध खड़ा करने की शिक्षा भगवान देते हैं, अन्यायी चाहे अपने घर वाला हो, अन्यायी चाहे बाहर वाला हो, अगर वो धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो हमें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी सरल सी बात है, आप स्वयं सोचिए कि हमारे ही घर में अगर कोई व्यक्ति कुकर्म करने लगे तो क्या हम उस व्यक्ति को ये कहेंगे कि कोई बात नहीं हमारा अपना, हम स्वयं उसका विरोध करना चाहेंगे। तो भगवान ने तो अर्जुन को केवल इतनी सी बात कही कि ये दुर्योधन आततायी है, इसने वो कुकर्म कर डाले हैं जो सब सीमाओं को पार करने के बाद होते हैं, तो इसलिए हे अर्जुन ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ना खड़ा होना तेरे लिए अवश्य पाप का कारण बन जाएगा, इसलिए तुझे अब खड़ा